माय गॉड, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आया हो। माँ की फोटो? एक्सक्लेमेशन मार्क? हाँ। ये माँ की फोटो ऐसे जमीन पर? सब किसने किया? क्वेश्चन मार्क? जरूर बच्चों की हरकत होगी। डॉट 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 डॉट। हाँ जेठ जी, मुझे भी उन पर ही डाउट है। अदरवाइज ऐसी हरकत चिड़ियाघर में और कौन करेगा? अभी तूने हमारी हरकत देखी कहाँ है नागिन? जेठ जी, ये क्या करती है? जहर तो है नहीं और बड़ी खुद को नागिन समझती है। ये तेरे हाथ में क्या है? झाड़ू। चल मार। झाड़ू मारने को नहीं बोला है, झाड़ू से खुद को मारने को बोल रही हूँ, खुद को। बाबूजी। इस वक्त तो तेरे बाबूजी नहीं है, मेरी मम्मी जी हैं। अब तू खुद अपने आप को झाड़ू से मारती है कि मैं मारूं? मारती हूँ। ए, जोर से मार, जोर से। बाबूजी, बाबूजी। कभी ये नागिन क्यों चीखी? भाभी मैं अभी देख के आता हूँ। हाँ, जा जा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कपिता बंदर, वो ऐसे ही हम सबको झूठ मूठ का डरा रही है। ओ मयूरी, मैं तो डर ही गई थी। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा। तो अब मैं डराऊं? भाभी प्लीज अपना ये डर डांस शुरू मत कर देना। Don't you dare to comment on my dance. Understand? You better understand, Kapida Bandar. Mayuri, ye achanak English mein English? Kyun? To gana shana ga sakti hai. Aur main English nahi bol sakta. Bilkul. Tum hosh mein to ho Mayuri? Pehle tumne Kapi ko thappad mara aur ab tum mujhse is tarah se baat kar rahi ho? Ha? I'm sorry. Mujhe sirf Kapi ko nahi maarna chahiye tha. टेंशन हो गई है, टाइट। भाभी ने एक और स्लैप मारा, टाइट। कपी, लगता है मयूरी के अंदर वो आ गई है। वो कौन थी वाली? वो गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, देख कैसे कर रही है। आत्मा, इस वक्त चिड़ियाघर में तीन तीन आत्माएं घूम रही हैं और तीनों एकदम फुल फॉर्म में हैं। तीन तीन आत्माएं? तो बाकी दो आदमियों के लकी विनर कौन है? एक तेरे बाबूजी और दूसरा इसका पति गोमू। गोमू भैया? हरिओम और डॉट डॉट। तो बहुत अच्छा गाना गाती है ना? कोयल सी मेरी बोली। लेकिन आज तेरे गले से कुछ डिफरेंट आवाज निकलेगी, समथिंग न्यू, यू नो। नहीं। और तू झबरा नाचेगा। नाचना नहीं आता ना मुझे। और तू गाना गाएगी। मैं गाना? कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन। 1 2 3। अंदर चलो, यही सब करेंगे, बहुत मजा आएगा। आ जाओ, चुप चुप, बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। दादाजी, दादाजी, दादाजी कहाँ गए? बाबूजी कहाँ चले गए? <laughs>
हे भगवान, ये क्या है इस चिड़ियाघर में? मॉम, डार्लिंग, व्हाट अ रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस। हम लोगों ने तो चिड़ियाघर वालों के तोते ही उड़ा दिए। डार्लिंग, ये तो एपिसोड शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। क्यों मम्मी जी? बात तो तेरी सही है। मम्मी जी, आप बाबूजी की तरह क्यों बोल रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक करना बंद कीजिए, फिर से काम शुरू करें यार। डार्लिंग, अभी तो चिड़ियाघर वाले लेवल वन पे हैं, हम उनको लेवल टू पे लेके चलते हैं। मॉम, डार्लिंग, एक काम कर, चेंज करते हैं। क्या? ये कपड़े? मॉम, आप भी कपड़े नहीं मॉम, शरीर चेंज करते हैं, शरीर। ओह, साउंड्स गुड। वैसे भी मैं इस मोटे के शरीर में बहुत बोर हो गई हूँ। करेक्ट। आई नीड अ चेंज। एक काम करते हैं, अब कपी, नागिन और कोयल के शरीर में जाकर थोड़ा टाइम पास करते हैं। हाँ, मैं कपी के अंदर जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आप कोयल में जाएंगी, कपी में मैं जाऊंगी, और डार्लिंग तुम नागिन में जाओगे। फेयर है ना? क्या फेयर है ना? मुझे कपी पसंद है बेटा, वो मुझे सूट भी करेगा। मम्मी जी, आप फिर से जिद कर रही हैं। डार्लिंग, समझाओ अपनी मम्मी को। ये क्या समझाएगा मुझे? बेटा, ये मेरी जिद नहीं है, मेरा हक है। पहले भी मैं इतने सालों से एक बुढ़िया के शरीर में चढ़ रही थी, यहाँ भी मुझे बुढ़ापा ही मिला। बेटा, अब मेरा मन एक एक जवान शरीर में जाने का है, एक यंग बॉडी। मम्मी जी, आप खुद कौन सी जवान हैं? आप भी तो सीनियर सिटीजन ही हैं। तो जब आप जिंदा थी, आपको ट्रेन टिकट में 30% डिस्काउंट नहीं मिलता था? हाँ मिलता था, लेकिन वो सरकार देती थी, तेरी अम्मा नहीं देती थी। खबरदार, जो मेरी अम्मा पे गई तो। खबरदार, जो मेरी उम्र पे गई तो। मम्मी जी, मम्मी जी, डार्लिंग। ये भी कोई लाइफ है? एक तरफ मॉम, दूसरी तरफ वाइफ है। मम्मी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। सुन कपी, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? उनका क्या है दीदी? वो लोग तो स्पेशल इफेक्ट से पलक झपकाते कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ भाभी, मुझे लगता है ये लोग आउटडोर लोकेशन में होंगे, गार्डन। सुनो बच्चों, तुम लोग नागिन चाची के साथ अंदर जाओ और आराम करो, मैं और कपी जाकर देखते हैं कहाँ हैं वो लोग। चल संभाल के जाना। हाँ हाँ, चिंता मत कर मिंडू। बच्चों चलो चलो जल्दी, अभी तो थोड़ा रेस्ट करने मिलेगा। भाभी झाड़ू। कपी, लगता है वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाबूजी गोमुख भैया से क्यों लड़ रहे हैं? बेवकूफ, बाबूजी और गोमुख भैया नहीं लड़ रहे हैं, उनके अंदर की आत्माएं लड़ रही हैं। अरे ये लोग कहाँ गए? मम्मी जी, मम्मी जी, भाभी, वो लोग इंडोर लोकेशन में, हाथ पे। मम्मी जी, भागो। मम्मी जी, भागो। मम्मी जी, चल चल देखते हैं। भागो। मम्मी जी, भागो। मम्मी जी, भागो। डार्लिंग, मॉम, अगर आप दोनों इस तरह लड़ते रहेंगे
तो वो ताली बाबा अपनी शक्ति से हम तीनों को उल्टा लटका के हम तीनों की ताली बजाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। प्लीज एक होके काम कीजिए और कपिदा बंदर के लिए झगड़ा मत कीजिए। कपि, तुझे कुछ समझ आ रहा है ये लोग क्या बात करे? नहीं मम्मी जी, एक बात सुन लीजिए, कपि के मामले में समझौता होना नामुमकिन है। और मेरी भी एक बात सुन ले तू मोटी बहू, मैं कपि के अंदर जाऊंगी 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 बस। आपकी अगर यही जिद है तो मुझे मंजूर है, मुझे आपके साथ काम करना ही नहीं। ठीक है ना, मैं रोज सतीरे साथ काम करने को मर जा रही हूँ। हाँ हाँ, मर तो आप चुकी हैं, तभी तो आत्मा बनके मेरी छाती पे मूंग चल रही है। तू तो बड़ी जिंदा है ना मोटी। मम्मी जी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हम दो आत्माएं एक चिड़ियाघर के नीचे खड़ी नहीं रह सकती है। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जा, जा, जा। मम्मी जी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, अपने इनको बोल रही हूँ, आपकी औलाद को बोल रही हूँ मैं। सुनो जी, कान खोल के सुन लो, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप किसकी साइड में हो, मेरी या अपनी मम्मी जी की? वैसे भी मैं हमेशा कहती थी और तो आत्माओं की आपस में कभी बनी नहीं सकती। आपने मुझे आत्मा कहा? ना, औरत कहा। खुश? हाँ फिर ठीक है। हरिओम हरिओम। ये लोग फिर से झगड़ रहे हैं क्या? मुझे भी ये लग रहा है। मॉम, डार्लिंग, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब जिंदा थे तभी भी आप दोनों इस तरह लड़ते थे, पर हमने कभी अपनी फैमिली को ब्रेक होने नहीं दिया। अब आत्माएं बन चुके हैं तो क्या हुआ, वी आर स्टिल अ फैमिली। लड़ेंगे मगर साथ रहकर। चिड़ियाघर फैमिली को ही देख लीजिए, इस मुसीबत की घड़ी में भी किस तरह एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ओहो, मेरे पता नहीं कौन सी बात लेके बैठ गया। अरे हमारा चिड़ियाघर वालों से क्या लेना देना? हाँ? हर आदमी का जीने का अपना अपना तरीका होता है। तरीके से याद आया, अरे सुन तो, तू तो कुछ आधी नखरी दिखा रही है। अरे मैं कह रही थी कि समस्या को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। बताओ। मैं ना कहूंगी तो आप नहीं बताएंगी? बताऊंगी क्यों नहीं, अपनी बहू को सास नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा? तो बताइए। सुन, अगर तू मुझे डांस कॉम्पिटिशन में हरा दे तो मैं तेरी बात मान जाऊंगी। Sounds good. ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है। तो आ जा मैदान पे। आइडिया बुरा नहीं है मॉम, मैं अभी ग्रामोफोन लेकर आता हूँ। हाँ, हाँ, सुन सुन सुन, उस ग्रामोफोन में मेरे फेवरेट मुकेश के गाने भी है। मम्मी जी आप फिर से बाबूजी की तरह बोल रही हैं। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, जब बाबूजी के शरीर में प्रवेश किया है तो बाबूजी का असर तो आएगा ही, 10 बार बता चुकी हूँ, समझ नहीं आता तुझे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।